फंस गई है। नहीं छोड़ूंगी दोनों को। सिंपू चलो निकलते हैं यहाँ से। पिंटू पिंटू, अरे ये तो पिंटू है, ये होश में नहीं आ रहा। आसपास कहीं पानी होगा, वो रहा टैप। मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ? भूत भूत, चुप करो पिंटू, मैं हूँ, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। उस चुड़ैल ने मुझे उठाकर बाहर फेंक दिया था, डर के मारे मैं बेहोश हो गया। फिक्र मत करो, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, अब घर चलते हैं। ये चुड़ैल का चक्कर समझ में नहीं आया, वापस जाना पड़ेगा। हाँ? गई भैंस पानी में, मैं नहीं जाऊंगा वापस उस हवेली में। अरे अरे मेरी बात तो सुनो दादी, उस हवेली में क्या हुआ था? अपने पति के मर जाने के बाद एक बूढ़ी औरत उस हवेली में रहती थी, फिर एक दिन वो भी मर गई, और लोग कहते हैं कि चुड़ैल बनकर वो आज भी हवेली में रहती है। फिर एक भले इंसान ने उस हवेली को खरीदा, पर वो बेचने के लिए जब भी किसी ग्राहक को लाता है वो चुड़ैल उसे डरा कर भगा देती है। बस इतना ही पता है। अब तुम खाना खाओ। सिंपू, काफी वक्त से मेरे दिमाग में एक बात खटक रही है। जब हम उस चुड़ैल से बचने के लिए भाग रहे थे, तब मैं एक टेबल से टकराया था और उस टेबल पर रखा कप गिर गया था। पता है उसमें चाय थी, और वो भी गरम। अगर वहाँ सिर्फ वो चुड़ैल रहती है तो वो गरम चाय किसकी थी? या तो वहाँ कोई रहता है या वो चुड़ैल नहीं है, क्योंकि भूत चाय नहीं पीते। वहाँ कुछ तो गड़बड़ है और हमें इसका पता लगाना ही होगा। अब तो तुम्हें डर नहीं लग रहा ना? शाबाश मेरे शेर, अब कल होगा हंगामा। अंदर जाने का दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। अरे ये खिड़की तो खुली है। सिंपू, लेट्स गो इनसाइड। मतलब ये बुढ़िया मरी नहीं है, चुड़ैल की एक्टिंग कर रही है। इस नकली चुड़ैल को अब असली भूत से मिलवाना ही पड़ेगा। चुड़ैल बनकर लोगों को क्यों डरा रही है? क्या करूं मैं? ये हवेली मेरी है, पर एक गुंडे ने धोखेबाजी से इस हवेली को अपने नाम कर लिया और मुझे जबरदस्ती यहाँ से दूर एक वृद्धाश्रम में छोड़ आया। जब वहां से भागकर मैं यहाँ वापस आई तो पता चला कि वो इस हवेली को बेचना चाहता है, तो मैंने ये सब नाटक करके लोगों को डराने का फैसला किया ताकि कोई भी इस हवेली को ना खरीदे। आप फिक्र मत कीजिए, अब हम सब जान गए हैं, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? मुझे पता चला है कि कल वो गुंडा यहाँ फिर आने वाला है,
कहीं उसे मेरी असलियत पता चल गई तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा, आने दो उन गुंडों को। आज इस वेली का फैसला हो के रहेगा, देखता हूँ कौन सा भूत मुझे डराता है। हे भगवान, बचाओ! अबे भैंस बुद्धि, तोते के भांजे कवे के साले कबूतर के जीजा, उठा मुझे। ओए भूत, कहाँ है तू? मारे सामने आ! भूत ने लाइट बंद कर दी। ओए भूत को छोड़ बावले, माचिस निकाल कर लाइट जला। कौनो तो? अटलू! भूत है! अरे मदद करो! आहा, भाग रहे हो! तुम नहीं बचोगे। कहाँ फंस गए हो रे? भगवान बचाओ, बचाओ! मत डरो, मैं बचा। मत डरो, मैं बचा। मत डरो, मैं बचा। बता, किसने भेजा है तुम दोनों को यहाँ? हमने छोड़ दिया माँ, माफ कर दिया हमने, अब यहाँ कभी ना आएंगे। पहले बता, तुझे यहाँ किसने भेजा? मुझे तो ये गुरुजी लेकर आए थे। मन्ने वो अग्रवाल सेठ ने पैसा देकर भेजा से, बोलिया कोई हवेली में भूत बन के डरा रहा से, उसे दो चार लात मार दूंगा, अकल ठिकाने आ जाएगी। मन्ने क्या पता कि यहाँ तो सच में भूत और चुड़ैल से है। माफ कर दे मारी माँ, मन्ने माफ कर दे। चल भाग यहाँ से और वापस कभी मत आना। भाग रे मटलो! चिंपू बेटा, आज तुम्हारी वजह से मेरा घर मुझे वापस मिल गया, अब मुझे चुड़ैल बनकर नहीं रहना पड़ेगा। मैं आप सबका और खासकर इन बच्चों का एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप,
पूरे गांव वालों को चिंपू सिंपू पर गर्व है। आखिर पोता किसका है? End of crime is selfie time.